ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास टेंथ का ही हमारा टॉपिक चल रहा था स्फेरिकल मिरर का, उसी को हमने कंटिन्यू किया। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में होता क्या है कि एक ऐसा मिरर जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब कितना होता है कि इसके पास जो भी रेज आती है, इसके पास जितनी भी रेज आएंगी उन सारी रेज को ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब इसके अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इसके पास दो केस होते हैं। केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला केस क्या है इसका कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेट से यहां पे कहीं पे है, तो यहां से एक रे आएगी सीधी, एक रे ऐसे आएगी सीधी की सीधी, और वो डाइवर्ज हो गया, और वो डाइवर्ज हो गई। तो देखो ये मिलने वाले तो कहीं है नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया। क्या कर लिया? इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पे जाके ये मिल गई। तो यहाँ पे आपको क्या बन गया, ये फोकस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पहला केस क्या आ गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसकी एक इमेज बनेगी कहाँ पे जाके, फोकस पे जाके। अब देखो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको लीड कर रहा है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी से लेके और यहां तक कहीं भी रखा होगा, उसकी इमेज हमेशा फोकस तक ही बन पाती है। यानी कि आपने जितनी बाइक के देखे हुए रियर व्यू वाले मिरर होते हैं, पीछे देखने वाले जो मिरर होते हैं, उनमें आपने देखा होगा हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों? क्योंकि वो कितनी भी दूर का ऑब्जेक्ट होगा उसको आपके फोकस पे दिखा देगा लार्जर व्यू के लिए। किसके लिए होता है ये? लार्जर व्यू के लिए। ध्यान रखना ये इसका एक वो भी है यूज कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होगा, आपका रियर व्यू में, किसमें, बाइकों में या गाड़ियों में, जहां पे आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी बड़े उसमें देख पाते हो, लार्जर व्यू में देख पाते हो। ठीक है, इसका ये पहला केस था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। अगर वो वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट होगी, और कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, और ये बहुत छोटी बन रही है। तो मान लो कि ये पॉइंट साइज की है। कैसी है ये? पॉइंट साइज की। ठीक है बच्चों, तो ये होगा केस कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे इन्फिनिटी पे है। दूसरा केस है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी एंड मिरर या पोल। अगर ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के इन्फिनिटी से और बीच में कहीं पे भी है, लेट से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे एक सीधी रे चलेगी। जो भी सीधी रे होती है वो हमेशा इसको ही डाइवर्ज करता है। वो डाइवर्ज होकर कहाँ जाके मिलती है, वो फोकस पे मिलती है। अभी तो बीच बनी नहीं है, अब इसका सेंटर पोजिशन यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे तो एक रे जो होगी वो इस तरीके से जाएगी, हम जैसा ऐसा महसूस होगा जैसा कि वो सेंटर कर्वेचर पे जाके टकराने वाली है, और वो यहां से टकरा के इस तरीके से टकराएगी और यहीं से लौट के वापस चली जाएगी। और जहां जाके दो रेज दिख रही हैं, जो एक्चुअल रेज नहीं है, सिर्फ हमने इनको कंस्ट्रक्शन से मिला के देखा है, वो जो रेज बन गई यही आपकी इमेज होगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, उस ए बी ऑब्जेक्ट की आपकी ए डैश और बी जैसे एक इमेज बन जाती है। और ये जो इमेज है, अगर हम इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, इमेज कैसी है आपकी, पहली बात तो वो आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, और वो आपकी इरेक्ट है, और कहां बन रही है, बिटवीन आपका पोल और फोकस के बीच में बन रही है, और कैसी बन रही है, वो छोटी बन रही है, smaller than the object, smaller than the object। इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो ये हमारा केस हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या पोल के बीच में है, यानी कि इस मिरर के सामने कहीं भी रखा हुआ होगा, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको बताया आपके को कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमारे जो बाइक होती हैं या गाड़ियां होती हैं,
उनके अंदर हम एक मिरर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और उसको हम क्यों यूज करते हैं, रियर व्यू के लिए यूज करते हैं उसको, रियर व्यू के लिए यानी पीछा देखने के लिए। अब पीछा देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमें लार्जर व्यू के लिए दिखाता है। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, हम बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव क्या होता है, इसको यूज करते हैं डेंटिस्ट वगैरह, आई के जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं वहां पे, या इसका हम यूज करते हैं सोलर पैनल में, इसका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं सोलर पैनल में, है ना। तो ये यूज होगा बाय डेंटिस्ट, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। बाकी हमने यूज कर लिया इसको यूजिंग इन सोलर पैनल, इसका हम इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारे रेस को एक पॉइंट पे मिलाता है, तो सोलर पैनल का इस्तेमाल हो सकता है। जो कॉन्वेक्स होगा ये आपका डाइवर्जिंग है, तो इसका हम यूज करते हैं रियर व्यू के लिए, ठीक है, या फिर इसका इस्तेमाल हम करते लेते हैं टॉर्च में। पहले जो टॉर्च आती थी उसमें कॉन्वेक्स लगा होता था ताकि वो रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर सके, और इसका हमारे इस्तेमाल कहाँ होता है, सर्च लाइट में, जहां पे हम लाइट को हमें फैलाना होता है ना, जहां पे लाइट को हमें, जैसे आपकी स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमें लाइट को फैलाना होता है। तो अगर आप इसके फोकस पर रख दोगे तो सारी रेस को चारों तरफ फैला देगा, तो इसका इस्तेमाल हम वहां पे कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आपकी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कहाँ बनती है और उसके यूज क्या है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉन्केव मिरर से इमेज कहाँ बनती है, बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वहाँ पे, और इमेज कहाँ बनते हैं, उनके यूज क्या है। आई होप ये तमाम वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज कोरोना टाइम एक्चुअली, सो स्टे एट योर होम एंड एंजॉय योर एजुकेशन, पढ़ाई को आप मस्ती से करते रहें। ओके, बाय फॉर नाउ।